एसएमएस न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पुलिस ने की देसी शराब दुकानों की जांच, रोड पर गिट्टी डालने वाले ठेकेदार पर मामला दर्ज। टमाटर की कीमतें छू रही आसमान। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। शहर पुलिस के परिमंडल 3 के तहत विभिन्न इलाकों में शनिवार की शाम पुलिस ने देसी शराब दुकानों में जांच कार्रवाई की। पुलिस ने दुकानों में पहुंचकर ग्राहकों से शराब खरीदी व सेवन के लिए आवश्यक लीकर परमिट की जांच की। जगनाड़े चौक स्थित शराब दुकान में कुछ ग्राहकों के पास परमिट नहीं मिलने पर कार्रवाई की गई। दूसरी खबर, बेतरोडी थाने के तहत गोगली बेसा रोड पर गिट्टी के कारण बाइक से युवक की गिरकर मौत हुई थी। इस मामले की जांच के बाद पुलिस ने रोड पर गिट्टी डालने वाले ठेकेदार राजेश गेलाराम गोधानी पर मामला दर्ज किया है। यह घटना 16 सितंबर 2020 को हुई थी। घटना के दिन रात 10:30 पर प्रतीक जीव ने अपनी बाइक पर घर लौट रहे थे, लेकिन घोगली रोड की गिट्टी पर गिरकर प्रतीक बाइक सहित जख्मी हालत में पड़े थे। उन्हें निजी अस्पताल में 22 सितंबर 2020 को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। तीसरी खबर, भारी बारिश की वजह से टमाटर की फसल को नुकसान पहुंचा है। केवल 30% टमाटर की आवक बाजार में उपलब्ध है, उनकी गुणवत्ता अच्छी नहीं है। कलमना एवं महात्मा फुले सब्जी एवं फल मंडी में रविवार को टमाटर का भाव 60 रुपए प्रति किलो था, हालांकि खुदरा कीमतें 80 रुपए पर पहुंच गई है। चूंकि टमाटर रोजाना उपयोग में लाए जाते हैं, इसलिए गृहणियों का बजट बढ़ गया है। किसानों ने एक महीने पहले टमाटर बोया था। दिसंबर के पहले सप्ताह में नए टमाटर के बाजार में आने के बाद ही कीमतों में कमी आएगी। इसी के साथ खास खबरों को यही विराम देते हैं। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें।